जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब बुलेट पर। जी हाँ साथियों, अग्निवीर के लाइव क्लास लेकर आ चुके हैं, तो मेरे सभी साथी एक बार चैनल को वो वीडियो को लाइव ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, क्लास में लाइव एंड तक बने रहिए, आपको सारा सिलेबस सारे क्वेश्चन आपको हल कराएंगे। तो दोस्तों, आप इनमें से कितना क्वेश्चन हल कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा जीके से रिलेटेड है मेरे साथियों। तो पहले जीके का करेंगे, फिर साइंस के सभी सवाल कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, मैकबेथ किताब किसने रची थी? मैकबेथ किताब है जो कितने रची थी अग्निवीर साथियों ने, जवाब दो देखें तो शेक्सपियर ने। किसने रची थी? शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? जो वोट देते हैं तो कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों 20 वर्ष। कितने? 20 वर्ष से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3, कामाख्या जो मंदिर है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा, असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, RTI का क्या अर्थ होता है? RTI का जो पूरा अर्थ होता है वो क्या होता है? तो मेरे शेर इसका राइट आंसर है सी हो जाएगा, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरी कौन से राज्य में स्थित है? जो उरी है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू। में अग्निवीर की पोस्ट आप जब वैकेंसी में लगोगे तो उरी में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर एक पोस्ट का नाम है उरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा है किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होगा, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है क्या होने वाला है, बताओ देखें। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूँ आपको, सी होगा। कहाँ क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी जो सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कृषि होगा। क्या था? कृषि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो श्रीनगर में, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मेरे शेर 10 नंबर का, जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारक किस महाद्वीप से संबंधित है? सारक है जो किस महाद्वीप से संबंधित है? डारक किस महाद्वीप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर ये होगा अफ्रीका से। किससे? अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? जो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी होगा, भागीरथी। कहाँ पे है? भागीरथी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो कौन है? तो इसका राइट आंसर है मेरे शेर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। सुषमा स्वराज नहीं है, सुमित्रा महाजन नहीं है, अरुण जेटली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में 3 शतक लगाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग। क्या होगा? वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बर्फ़ का घनत्व पिघलने पर जाता है,
बर्फ का जो घनत्व होता है पिघलने पे क्या हो जाता है, घट जाता है या बढ़ जाता है? तो मेरे शेर बढ़ जाता है, बर्फ का घनत्व पिघलने से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो साइंस के सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे साथियों, तो इसका राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का अर्धचालक क्या होता है? विद्युत का जो अर्धचालक होता है वो क्या होता है? तो मेरे शेर राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। क्या होगा? सिलिकॉन। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, PV बराबर NRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि न्यूट्रॉनों की संख्या 11 तथा प्रोटॉनों की संख्या 21 हो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3। तिलचट्टे के शरीर में 3 भाग होते हैं। समस्थायी ऐसे नाभिक है जिसमें क्या पाया जाता है? तो इसका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रोटॉन संख्या बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PN जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है किसमें होता है? PN जंक्शन डायोड का प्रयोग है क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका राइट आंसर है सिलेड डायोड, परिशोधक डायोड, ससूचक परिपथ। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तिका मात्रक होता है, आवर्तिका जो मात्रक होता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे शेर? तो उसका राइट आंसर है क्या होगा? सी हो जाएगा, हेटेज। क्या कहते हैं? हेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति IHP कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति IHP कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? 746 वाट। कितना? 746 वाट के बराबर। दो समान भार वस्तुएं V2V तथा 3V के वेग से चल रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा KE का अनुमान कितना होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको अग्निवीर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की जो खोज है जो किसने की थी? 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन मीटर। क्या होगा? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? 30 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है मेरे शेर बेरी बेरी होगा। क्या होगा? बेरी बेरी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।